सब रिजल्ट को लेके कितने नर्वस है, पर मोंटू को देख, उसे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। देखो कैसे हंस रहा है। करने दे स्माइल, क्योंकि बाद में वो रोने वाला है। केवल, तू ऑयल की बोतल तो लाया है ना? हाँ बॉस लाया हूँ, पर इतनी जल्दी क्या है, अरे गंजे तो जा फिर रहे। तू बेवकूफ, गंजा मैं नहीं, गंजा बल्लू होगा, समझा? चल ला ऑयल ले। बल्लू लल्लू ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑयल लाया हूँ। पता है मैंने मेरे पापा से ब्राजील से मंगवाया है। हाँ तुम ना जब गंजे हो जाओगे ना, तब इसे अपने सर पे लगाना, बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। ए मोंटू ज्यादा होशियारी मत दिखा वरना पीट दूंगी। तू पीटेगी? हाँ हाँ बच्चा। गुड आफ्टरनून बच्चा। मैं जानता हूँ कि आप सब अपने अपने रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप सबका इंतजार खत्म होता है। ये देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड विनर की ट्रॉफीज। रानी परी हमें डर है कहीं मोंटू के अंक बल्लू से ज्यादा ना आ जाए। रानी परी हमारा दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा है, हम ये नहीं देख पाएंगे, जब परिणाम घोषित हो जाए तब हमें बता दीजिएगा। बाल परी हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, हम सब भी बालवीर को जीतते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उस पल के आने तक हम सबको अपनी हिम्मत को बना के रखना होगा और बालवीर पर पूरा भरोसा रखना। परी भयंकर। क्या है तू चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं, बस चाहता था मैं कहना आपसे कि मत देखिए आप इस जादुई कुंड में, कहीं जीत गया बालवीर तो फूट जाएगी आपकी आंखें और बैठ जाएगा आपका दिल। चुपचाप वहाँ खड़े रहो और मुझे देखने दो। हेलो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हर साल हमारे क्लास में मेहर फर्स्ट आती है, लेकिन इस साल मेहर को एक ऐसे बच्चे ने चैलेंज किया है जिससे हमें अच्छे रिजल्ट की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो बच्चों इस बार मैं सबके रैंक बताने के बजाय उन 5 बच्चों के मार्क्स कंपेयर करूंगा जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, जो कि मार्क्स है इस तरह से। हिस्ट्री में मेहर को मिलते हैं 91, मानव को मिलते हैं 85 मार्क्स, सलोनी को मिलते हैं 75 और मोंटू को भी मिलते हैं 91। ये तो रुक। और बल्लू को मिलते हैं 93 मार्क। बल्लू के मार्क्स तो मेहर से भी ज्यादा है, इसका मतलब बल्लू ने मेहर को टक्कर दे दी। अब तो अब गए बॉस काम से। आगे चलें। हाँ ये सर। मैथ्स के मार्क्स कुछ इस प्रकार है, मानव को मिलते हैं 96 मार्क्स, मेहर को मिलते हैं 90, सलोनी को मिलते हैं 87, मंट को भी मिलते हैं 96 और बल्लू को 98 मार्क। यस।
चलते हुए इंग्लिश में मेहर को मिलते हैं 85, मानव को मिलते हैं 80 मार्क्स, सलोनी को मिलते हैं 74, बल्लू को मिलते हैं 87 मार्क्स, और मॉन्टू को फिर से मिलते हैं 85। बॉस लगता है वो एक बॉटल आप ही की काम आने वाली है। हिंदी और साइंस में भी बल्लू मेहर और मॉन्टू से आगे हैं 83 मार्क। और अब बचता है सोशल साइंस का पेपर जिसमें मेहर को मिलते हैं 85 मार्क्स, मानव को मिलते हैं 86, सलोनी को मिलते हैं 91 और मॉन्टू को भी मिलते हैं 91 मार्क्स और बल्लू को मिलते हैं 73 मार्क्स। मुझे कुछ इतने कम अंक कैसे मिले? अरे भाई ग्रैंड टोटल की बारी जिसमें कि फर्स्ट है महल डगली। यस 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 वेरी गुड मैन। सेकंड है का डर था वही हुआ रानी परी। रानी परी अब तो बल्लू को जाने हमारे बालवीर को शर्त के मुताबिक अपने बाल कटवाने। हार गया, हा, 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 हार गया बालवीर। मनाओ खुशियाँ, बांटो मिठाइयाँ, क्योंकि है मिली आपको पहली बार जीत। बस अब तो बालवीर के गंजे होने का इंतजार है। गंजे फर्स्ट ट्रॉफी जाती है जी, और सेकंड जाती है मंटू लखानी का। Yes, thank you, sir. और थर्ड ट्रॉफी जाती है बल्लू को। बल्लू तालियां। ये बल्लू बल्लू बेटा थर्ड प्राइज। बल्लू ए पिति लोग कहाँ जा रहे हो? रुको क्या हुआ? शर्त भूल गए? आज बल्लू की
चकला सेरेमनी होने वाली। अंकल किसके बाल काटने हैं? अरे अंकल जी, मेरे बाल नहीं काटने, उस बल्लू लल्लू के बाल काटने। बल्लू लल्लू बेटा तू डरना मत, ये अंकल है ना तुम्हारे ठीक से बाल काटेंगे और तुम्हें तगड़ा कर देंगे, उसके बाद तुम बहुत क्यूट लगोगे। देख मोंटू, प्लीज ये सब रहने दे, अगर तू शर्त हार जाता तो भी हम तुझे बाल कटवाने नहीं बोलते। क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो, पर मोंटू तो ग्रिटेश लखानी अच्छा बच्चा नहीं है, इसीलिए शर्त के मुताबिक बल्लू लल्लू को गंजा होना पड़ेगा। अंकल शुरू हो जाओ। नहीं, अगर बाल काटने तो पहले मेरे काटो। नहीं, पहले मेरे काटो। नहीं, पहले मेरे बाल काटो। अंकल आप एक काम कीजिए, चारों के बाल काट दीजिए। ये तो मेरे सोशल साइंस की आंसर शीट का पन्ना है, ये यहाँ कैसे आए? एक मिनट, क्या हुआ बल्लू? मोंटू, ये पेपर मेरे सोशल साइंस की आंसर शीट में से फटा हुआ है। हाँ? ये यहाँ कैसे आया? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। मानो महेश सलोन, ये पेपर मेरे सोशल साइंस की आंसर शीट में से फाड़ दिया गया। हाँ? जिससे मुझे सोशल साइंस के पेपर में कम मार्क्स मिले। तो मोंटू सच सच बताओ, ये पेपर यहाँ कैसे आए? अरे पिद्दीलो, मुझे क्या पता? इसने फाड़ा होगा। हाँ, मीटर? कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। यही सही मौका है, क्योंकि मोंटू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे सबूत लाना ही पड़ेगा। डुबा डुबा एक। खुश रहो डुबा डुबाए, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो डुबा डुबाए। मोंटू बच्चों के साथ बेमानी कर रहा है और इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। हूँ मैं तैयार। कहो है क्या करना मुझे? डुबा डुबाए, तुम्हें बच्चों के बीच में बल्लू बन के रहना होगा और तब तक मैं बालवीर बन के बच्चों की सहायता करूँगा। है ठीक, ये लो बन जाओ बल्लू। अब पता चल जाएगा कि आखिर सच है क्या। तेरी वजह से बल्लू को कम मार्क्स आए। मैंने की है। हाँ की है तुमने चीटिंग। रुक जाओ बच्चों, तुम आ गए। देखो इस मोंटू ने बल्लू के साथ चीटिंग की है। मैंने चीटिंग नहीं की है बालवीर जी, मैं चाहिए तो केवल की कसम खाता हूँ। बॉस मैं झूठी कसम मत खाओ, मुझे कुछ हो गया तो
देखा बालवीर, देखा, इसका मतलब कि केवल को ही पता है कि इस मोटे ने चीटिंग की है। बालवीर, इस मोटे को छोड़ना मत। बालवीर जी, आप इनकी मत सुनिए, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, मैं सच बोल रहा हूँ। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये भी पता चल जाएगा मोंटू। बल्लू, वो कागज का पन्ना मुझे दो। ओ कागज के पन्ने, मुझे बताओ कि सच क्या है। तुम कुछ कहना चाहोगे? बालवीर, मुझे तो लगता है कि एक ही नहीं बल्कि सारे पेपर में इस मोटे ने चीटिंग की है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है बालवीर, क्योंकि जो हर साल मुश्किल से पास होता है उसे आज 90% है और वो इस बार सेकंड पोजीशन पे आया। और हाँ बालवीर, मैंने ये भी नोटिस किया कि मैथ्स में मेहर और मोंटू को सेम मार्क्स मिले, और साइंस में भी मानव और मोंटू को सेम मार्क्स मिले, और सोशल साइंस में भी मुझे और मोंटू को सेम मार्क्स मिले। करेक्ट बालवीर, पहले तो मुझे लगा था कि ये सब कोइंसिडेंस है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब मोंटू की चालबाजी है। ये सब सुनने के बाद तुम खुद सब बताओगे या फिर मैं? बालवीर जी, मैंने कुछ नहीं किया है, सच्ची में प्रॉमिस, मैंने चीटिंग नहीं की है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? बालवीर जी नहीं, बालवीर जी नहीं, नहीं। मोंटू, जब तक तुम पूरा सच नहीं बताओगे ये दस्ताने तुम्हें ऐसे ही मारते रहेंगे। बालवीर जी, सच्ची में मैंने और कुछ नहीं किया, सॉरी बालवीर जी। बता दो, मैं सब सच बताता हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक वाईफाई पेन था जो मैंने मेहर को दी, तो मेहर जो लिखती थी वो मेरा वाईफाई पेन कॉपी कर लेता था। तो तुमने? मैंने ना मानव के ऊपर का जो सीलिंग फैन है उसके ऊपर मैंने कैमरा चिपका दिया था। हा? तो कैमरे के थ्रू मुझे मानव का पेपर मेरे बॉक्स के स्क्रीन पे दिखता था और फिर मैं उसमें से कॉपी करता था। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी। झूठे, अभी भी बाकी है। बोल दो। किया, थोड़ा सा ज्यादा किया। बता दो, लास्ट है, प्लीज मत मारना। वो क्या है ना, सलोनी का पैड केवल को मैंने ही तोड़ने बोला था, और फिर उसके बाद मैंने सलोनी को एक पैड दिया जो एक्चुअल में एक स्कैनर था, और मेरे पास जो पैड था वो प्रिंटर था। तो सलोनी जो भी अपने पैड पे लिखती थी ना, वो मेरा पैड मेरे आंसर शीट पे कॉपी कर लेता था। बस बालवीर जी, बस, सॉरी, गलती हो गई बालवीर जी। मोंटू, तुमने ये बहुत ही गलत किया, लेकिन इस सब में किसी बुरी शक्ति ने तुम्हारी मदद की, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा एक साल बिगड़ जाए, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम फिर से पढ़ाई करोगे और परीक्षा भी फिर से दोगे। हाँ, और वो भी बिना किसी की मदद के। अरे बालवीर, वो मोंटू ने जो बल्लू के साथ शर्ट लगाई थी उसका क्या? हाँ बालवीर, अब इसने लगाई थी शर्त मुझसे, होना पड़ेगा अब इसे भी गंजा। मोंटू भी गंजा होगा। हाँ, होना पड़ेगा इसे भी गंजा। बच्चों देखो, शांत हो जाओ। देखो मोंटू भाग रहा है। हाँ।
जाने दो प्लीज। मैंने तुम्हारे मुसीबत के टाइम पे पहन दिया था तुम्हें, सलोनी तुम्हें तो मैंने पैड दे दिया था। प्लीज मुझे गंजा मत करो प्लीज। ए मोंटू, ये जानू से तुझे माफ कर भी देंगे, लेकिन मानव का ग्रेटेस्ट डगली तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अंकल इधर आओ। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डुबा डुबाई। वो मैं तो जा रहा, लेकिन मत छोड़ना उस मोंटू को बिना गंजा किए। अंकल ये लीजिए आपके 100 रुपए और 100 रुपए टिप इनकी तरफ से। हाँ। और बॉस आपके लिए ऑयल, आखिर में आप ही के काम आया। वो ब्राजील वाला है ना। थैंक्स। मेंशन नॉट। मोंटू आगे से एग्जाम में चीटिंग करेगा? नहीं कभी नहीं करूंगा, केवल की कसम। ए तुझे अलग से समझाना पड़ेगा क्या? हाँ? नहीं नहीं मैं भी मोंटू बॉस की कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कॉपी करूंगा और ना करवाऊंगा। चलो मोंटू। अच्छा हुआ तौबा तौबा कि तुम खुद समझ गए कि तुम कितने बेकार और बेवकूफ हो, इसीलिए अपनी पोटली बांध कर भयानक लोक से जा रहे हो। ओ परी भयंकर, इस पोटली में फूल आया मैं बोरिया बिस्तर हम दोनों का समेट। सुना क्या आपने? हम दोनों का है लेते सन्यास और है चलते सन्यास को, क्योंकि चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती आप उस बालवीर का। चलिए वो क्या रहा ये? लगता परियों ने हमला। भाग तोबा तोबा भाग, लेकिन भागो कहाँ भाई? इधर से तोबा हो क्या रहा है तेरे साथ? तोबा तोबा अरे गया बस तू तोबा तोबा अब करेगी क्या तू? अरे भयंकर अरे परी भयंकर चौका के हर चक्र से बुरी मैं हूं चक्रव्यूह पर। चक्रव्यूह
तौबा तौबा। और ये तो सिर्फ नमूना था, असली खेल तो परियों के साथ खेला जाएगा। बेचारी बलिया, वो तो जानती ही कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली, क्योंकि बुराई के हर चक्र से बुरी मैं हूं चक्र। भयानक लोक में तुम्हारा स्वागत है चक्रव्यूह परी। शुक्रिया भयंकर परी, मैं आपको एक खुशखबरी देने आई। आखिर वो दिन आ ही गया जिसके लिए मैं पिछले 100 साल से तैयारी कर रही थी। पिछले 600 सालों में परियों ने मुझे कई बार हराया है, पर इस बार परियां हारी। ये देखिए, ये है मेरा बनाया हुआ चक्रव्यूह खेल। भयंकर के पास कुछ और काम करने को तो है बनाया इस चक्रव्यूह परी ने एक खेल समय काटने के लिए। परी भयंकर, अब तो हो जाओगे आप और भी ज्यादा निकम्मी और नकारा ये बच्चों का फालतू खेल खेल के। चुप! बेवकूफ चक्रव्यूह परी, मुझे इस खेल के बारे में और बताओ। भयंकर परी, इस खेल में कई पड़ाव, जो भी ये खेल खेलेगा इस खेल के पहले पड़ाव से लेकर अंतिम पड़ाव तक जाना हो, लेकिन जैसे ही परिया ये खेल खेलना शुरू कर दे, उनकी सारी शक्तियां यहां इस अंतिम पड़ाव पर आकर पहुंच जाए। और एक बार ऐसा हो गया तो परिया शक्तिहीन हो जाए, और फिर परियों को अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए इस खेल के पहले पड़ाव से लेकर अंतिम पड़ाव तक जाना ही होगा। चक्रव्यूह परी, परियों के लिए तुम्हारे इस खेल के पड़ाव को पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। नहीं भयंकर परी, मेरे बनाए हुए खेल के हर पड़ाव पर मेरी बुराई बिछी हुई है। परियां जैसे ही किसी पड़ाव पर पहुंचेंगी, मेरी वहां की बुरी शक्तियां जीवित हो जाएंगी। अब इस पड़ाव की बुराई को हराए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, और वैसे भी परियां तो पहले पड़ाव से ही शक्तिहीन हो चुकी हो, तो उनका अंतिम पड़ाव तक पहुंचना असंभव है। बुराई के हर चक्र से बुरी मैं हूं चक्रव्यूह।
बची जान तोबा तोबा। शाबाश चक्रव्यूह परी, शाबाश। भयंकर परी खुश हुई, बहुत खुश हुई। लेकिन ये खेल परियां नहीं खेलेंगी, ये खेल बालवीर खेलेगा। बच्चों का दोस्त और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बालवीर। बालवीर? हाँ, बालवीर। क्योंकि बालवीर में सभी परियों की शक्तियां शामिल हैं। अब अगर बालवीर ये खेल खेलेगा तो बालवीर के साथ साथ सारी परियों की शक्तियां इस खेल में आकर समाप्त हो जाएंगी। इस बार मैं करूंगी एक तीर से सबका शिकार। फिर लगी पकाने ख्याली पुलाव ये परी भयंकर। मतलब है नहीं बालवीर कोई राह चलता बच्चा जो खेलेगा ये फालतू खेल। बालवीर नहीं, बालवीर के चहीते बच्चे मेरे इस खेल को खेलना शुरू करेंगे। और एक बार बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया तो फिर बालवीर उर्फ बल्लू को ये खेल खेलना ही पड़ेगा। हाँ। और एक बार वो इस खेल में फंस गया तो फिर वो फंसता ही चला जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। और बालवीर के साथ साथ अच्छाई और सच्चाई भी समाप्त हो जाएगी और बचेगी सिर्फ बुराई। ऐसा लग रहा हूँ बाप मस्त है ना। ये रुको 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 मत मारो इन्हें, ये तुम्हारे बापू जी है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम लोगों का बापू। लेकिन तुम लोगों ने अभी बिना साबुन के मेरे को धोड़ा था। लेकिन बापू जी ये क्या हाल बना रखा है आपने, क्या हो गया है? स्मिता मुझे लगता है बापूजी ने किसी टपोरी का जूता खाया। जूठा खाया है। तभी बाबूजी ऐसे टपोरी जैसे बातें कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, दरअसल बाजू वाला जो मुरली है ना उसके पोते की कल बर्थडे पार्टी है तो कॉलोनी के बूढ़ों ने सभी कॉलोनी के बुजुर्ग लोगों ने मिलकर एक प्ले तैयार किया है और इस प्ले में ना तुम्हारे बापूजी एक चोर का रोल कर रहे हैं। तो आज सुबह से उठकर ना ऐसे ट्रैक्टर में घुस गए। ट्रैक्टर नहीं माँ, कैरेक्टर। हाँ भाई, सेम टू सेम। अरे बाप इसको छोड़ो, मेरे को पकड़ो ना तुम लोग। ये बोले तो पकड़ो, बोले तो हाथों से पकड़ने को नहीं बोल रही लाऊ। ये बताओ ये गेटअप में कैसा लग रहा है? बकवास क्यों बंद कर? इतना बोलने का बापू जी, प्ले तो कल है ना, तो ये अभी से दाढ़ी को चिपकाई है, दाढ़ी निकाल दीजिए। तुम तो सही बोल रहे हो बाप, अब भी निकाल दे, अभी ऐसे निकल जाएगी। महेश, मुझे लग रहा है बापूजी की दाढ़ी अटक गई है। पिता, बापूजी अटकते हैं, दाढ़ी तो चिपक गई। हाँ, वही। बेटा, बाप ऐसा लग रहा है कि जोश जोश में गम जरा ज्यादा लग गया है।
एक काम करता हूँ, उपले का मेकअप मैन है ना राजेश, उसके वहाँ जाके ये दाढ़ी निकलवा लेता हूँ। अरे बैठिए बाबूजी। अरे अब उन लोग है ना दाढ़ी खींच के निकालेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, हमें अभी भी सूचना मिली है कि मशहूर डाकू रंगा जेल से भाग गया है। रंगा बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए उससे बचकर रहे और दिखने पर पुलिस को सूचित करें। मानव और मेहर, अच्छा इनके साथ बल्लू ने, इससे पहले कि बल्लू यहाँ आ जाए मैं अपना चक्रव्यूह खेल इन्हें दे देती। आज हम लोग को हमारी पॉकेट मनी मिली है, चल चल के सबसे पहले एक एक आइसक्रीम खा लेते हैं। सिर्फ एक एक? अरे आज हमें पूरे महीने की पॉकेट मनी मिली है, इसलिए हम सिर्फ एक नहीं दो दो आइसक्रीम खाएंगे। चल चलो और चल। ये बच्चों ने अपना रास्ता क्यों बदल दिया? चक्रव्यूह के चक्रम जाल से कोई नहीं बचता है बच्चों। गेट तो अभी खुला था, पर ये बंद कैसे हो गया? क्या? चल कुछ भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हो सकता है हम लोग आइसक्रीम की बातों में इतना डूब गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि ये गेट पहले से बंद था। कोई बात नहीं, वहाँ भी एक आइसक्रीम वाला है, वहाँ चलते हैं। चल चल। सुनो बच्चों, मेरे पास एक गेम है। चक्रव्यूह गेम। चक्रव्यूह गेम? हाँ चक्रव्यूह गेम। चक्रव्यूह गेम मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तुम्हारे लिए। क्या? मेरा मतलब है ऐसी गेम तुम्हें बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। सोचो नहीं, ले लो सिर्फ 200 रुपए में। मुझे तो गेम बहुत अच्छी लग रही है और कितनी सस्ती भी है, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए। मैं जो मैं पॉकेट मनी दिए हम उसे से खरीद ले। हाँ मानव, ये गेम तो मुझे भी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर हम इसे खरीदेंगे फिर हमारी पूरी पॉकेट मनी इसमें ही चली जाएगी। तो रहने देना मानव। सॉरी आंटी, हम इस गेम को नहीं खरीद सकते। थैंक यू। चल। अरे सुनो बच्चों, बच्चों सुनो तो। सच्चे और अच्छे बच्चे ऐसे नहीं मानते। इन्हें ये बुरी चीज बेचने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। आज के बाद तुम दोनों ऐसी शरारत बिल्कुल भी नहीं करोगे जिससे दूसरों को परेशानी हो। ठीक है? ठीक है। ठीक है बालवीर।
मानो मैं यहाँ, अरे उनके साथ कौन खड़ा है? मुझे यहाँ आसपास किसी बुरी शक्ति के होने का आभास हो रहा है।